पहाड़ पूरी तरह बर्फ की चादर ओढ़ चुके हैं। हाईवे भी अब बर्फ के हवाले हो चुका है। नवंबर का महीना जैसे जैसे बीत रहा है, पहाड़ों पर बर्फ का राज हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। आसमान से बर्फ ही बर्फ गिर रही है और सब कुछ बर्फ के आगोश में खो गया है। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति और कुल्लू को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे की हैं। रोहतांग दर्रा पूरी तरह बर्फ से ढक चुका है। जहां तक देखिए बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हाईवे पर बर्फ की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि वाहनों की रफ्तार थम गई है। हालात को देखते हुए आधिकारिक तौर पर दर्रे को बंद कर दिया गया है, जिससे अगले 6 महीनों तक लाहौल स्पीति का संपर्क दुनिया से कट गया है। हालांकि दर्रा बंद होने के बाद भी मौसम के हालात को देखते हुए वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। अगर बर्फबारी बढ़ती है तो वाहनों की एंट्री भी रोक दी जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने कोकसर और मढ़ी में बचाव चौकियां स्थापित की हैं, जहां आगे जाने वाले वाहन चालकों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, ताकि आपात स्थिति में उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। 15 नवंबर के बाद अगर बर्फ पड़ती है तो उसके बाद जो रोहतांग दर्रा है वो आधिकारिक तौर पे बंद हो जाता है, तो उसी को लेके शीघ्र ही जो बचाव चौकियां हैं वो जो है वो एस्टेब्लिश कर दी जाएंगी और सैलानियों को अब रोहतांग वाली साइड नहीं जाने दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। चमोली जिले में 4,500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब में आसमान से बारिश की शक्ल में बर्फ बरस रही है और पूरे इलाके को बर्फ ने अपनी आगोश में ले लिया है। हेमकुंड साहिब में 2 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। यहाँ हर साल जमकर बर्फबारी होती है, जिसके चलते साल भर में सिर्फ 4 महीने ही हेमकुंड साहिब के कपाट खुलते हैं। अब तक जो स्थिति है कि हेमकुंड साहब का जो ट्रैक है गोविंद धाम से लेकर हेमकुंड साहब तक, उसमें 6 इंच से लेकर कोई तकरीबन 2 फुट तक सारे रास्ते में बर्फ जमा हो रखी है। हेमकुंड साहिब के साथ ही बद्रीनाथ के पहाड़ों पर भी रुक रुक कर बर्फ गिर रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी से निचले इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। इसी के लक्षण दिखा रहा भी, स्नो बर्फ के चांस ज्यादा देख रहा भी। पहले कुछ दिन में बर्फ बहुत आया था, अभी भी यात्री लोग बहुत आ रहे। इस साल बहुत यात्री लोग बद्रीनाथ में आया। हिमाचल और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का दौर जारी है, तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के साथ बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश के साथ ही रामबन इलाके में भूस्खलन हुआ है, जिससे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात बंद हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह पहाड़ों से पत्थर नीचे गिर रहे हैं और पहाड़ों का मलबा भर भराकर हाईवे पर आ रहा है। लैंडस्लाइड के चलते हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई है। फिलहाल हाईवे पर मलबे को हटाने का काम जारी है। पहाड़ों पर ठंड पूरी तरह दस्तक दे चुकी है और भारी बर्फबारी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने लगी है। मनाली से मनिंदर अरोड़ा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ जम्मू से सुनील जिभर, आज तक।